नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन रेड्डी और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यू को कैसे यूज किया जाता है। अब क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे आप डेटा को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और डिस्प्ले भी कर सकते हो। जैसे हमने देखा था लिंक लिस्ट में, जहां पे हमारे पास बहुत सारे नोड्स होंगे और हर एक नोड अपने नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। उसमें भी कुछ टाइप्स है, जैसे आप डबल लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो या फिर सिंगल लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो। अब उसके टॉप पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक जो है स्टैक और दूसरा जो है क्यू। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा क्यू के बारे में। क्यू जनरली फॉलो करता है कॉन्सेप्ट को जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका मतलब है जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। जैसे हम कोई क्यू ज्वाइन करते हैं या फिर हम लाइन में जाते हैं, जैसे तुम्हें मूवी का कोई टिकट निकालना है या फिर रेलवे टिकट निकालना है, तो हमें एक लाइन में ज्वाइन करना होता है, क्यू में ज्वाइन करना होता है। तो जो बंदा पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट है क्यू का। स्टैक का अलग कॉन्सेप्ट है, किसी दिन वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज क्यू में फोकस करने पे, क्यू जो है वहाँ पे जो एलिमेंट पहले आएगा वही एलिमेंट पहले बाहर जाएगा। तो इमेजिन कीजिए हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ पे और इस बॉक्स में कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा बॉक्स और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से 5 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बॉक्स क्रिएट कर दिए। सो ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर इसको हमें इम्प्लीमेंट करना तो होगा क्या, जो भी एलिमेंट पहले आएगा वो जाएगा फ्रंट में। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल की जरूरत होगी, एक जो होगा फ्रंट जो बताएगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और एक जो होगा वो होगा रियर। ना रियर का मतलब होता है कि रियर एंट्री, पीछे बाजू। जैसे हम फोन कैमरा यूज करते हैं तो फोन में हमारे पास एक फ्रंट कैमरा है जो हमें दिखता है सामने से, और एक रियर कैमरा है जो होता है पीछे साइड में। तो जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो यहाँ से आएगा, रियर से आएगा, और एंटर सेव कहाँ पे होगा, वो फ्रंट में। तो ये जो फ्रंट है, जैसे एग्जांपल अभी ये तो पूरा खाली है यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू आएगा लेट्स से 5 आया यहाँ से, तो 5 जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कोई वैल्यू आया लेट्स से 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद लेट्स से 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे हम एलिमेंट्स एक ही करके एंटर करते रहेंगे। हमें समझाया कैसे कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और अगर मैं कोई नया वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रियर। तो स्टार्ट कहाँ से होगा वो बताएगा फ्रंट, और करंटली अभी वैल्यू कहाँ पे है वो बताएगा रियर। तो जब हमारे पास 2 था यहाँ पे, तो रियर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। जैसे ही हमने कोई नया वैल्यू इंसर्ट कर दिया, तो रियर अभी यहाँ पे है, तो जैसे हमने कोई नया वैल्यू इंसर्ट कर दिया वो जाएगा यहाँ पे। तो हमें वो टाइम पे करना पड़ेगा रियर प्लस प्लस। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट का काम है कि फोकस हमेशा स्टार्टिंग पे करें, और रियर है जो चेंज होते रहेगा जब हम वैल्यूज इंसर्ट करते रहेंगे। अब व्हाट इफ मैंने कोई वैल्यू रिमूव कर दिया, तो अभी यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तो फ्रंट यहाँ पे है, रियर 2 पे है, क्योंकि आगे जाके कोई एलिमेंट आ जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा। व्हाट इफ मुझे कुछ डिलीट करना है, तो मुझे ये जो 5 है इसको रिमूव करना है। इसको जब रिमूव करना होगा तो आप क्या करोगे, क्या ये वैल्यू रिमूव करने के बाद 7 और 2 को शिफ्ट करोगे, वो एक हमारे पास ऑप्शन है। क्योंकि ऑफकोर्स जब हम 5 निकालेंगे तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं डिलीट करना है तो हमेशा वो वैल्यू डिलीट होगा जो सबसे आगे है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब जब हम ये 5 निकालेंगे तो 7 और 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम उनको शिफ्ट ही ना करें और सिर्फ 5 को यहाँ से रिमूव कर दें। अब इसे एडवांटेज ये होगा कि जब भी कोई वैल्यू रिमूव होगा तो हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब टाइम बहुत बचेगा। यहाँ पे तो 2 ही वैल्यू है, व्हाट इफ तुम्हारे पास 1000 वैल्यूज़ है या फिर 2000 वैल्यूज़ है, अब उनको शिफ्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो जैसे ये 5 रिमूव होगा उसको हम ऐसे ही ब्लैंक रखेंगे और 7 2 भी वहीं पे होगा। अब हमें समझाया कैसे कि 5 रिमूव हुआ है, तो हम 5 को रिमूव भी नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट को जो है, क्योंकि फ्रंट पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, हम उसको बाद में बोलेंगे कि आप यहाँ पॉइंट कीजिए, ये हमारा फ्रंट वैल्यू है। सो इनिशियली फ्रंट यहाँ पे था, अब जैसे हमने कहा कि 5 को रिमूव करना है तो फ्रंट अभी चले गया 7 पे। सो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है हमारा, 7 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, वो 2 पे। तो फ्रंट बताएगा कि स्टार्ट कहाँ से होगा और रियर बताएगा कि ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो ये 2 चीज़ निकाल दूँ मैं, या फिर ये एक हेलो वर्ल्ड निकाल दूँ। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है कोड ब्लॉक्स। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है, यहाँ पे कोड ब्लॉक्स जो चलता है ठीक से, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे जो मुझे बहुत सारे फंक्शंस में यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा, एक इंसर्ट के लिए, एक डिस्प्ले के लिए और एक डिलीट के लिए। तो वो भी जो वेरिएबल्स होंगे उसको मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे टॉप पे। तो जैसे ही मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वेरिएबल्स। तो मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, एक फ्रंट जिसको हम बोलेंगे और दूसरा जो है वो होगा रियर। इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट
माइनस वन रखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हम जो वैल्यू है फ्रेंड का उसको देंगे माइनस वन। अब आपको पता होगा कि नॉर्मली जब हम एरे की बात करते हैं या फिर लिंक लिस्ट की बात करते हैं, सो काउंटिंग स्टार्ट जीरो से होता है, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो और जो लास्ट वैल्यू होगा वो होगा फोर। जब तुम्हारा क्यू फुल हो जाएगा वो टाइम पे रियल का वैल्यू फोर होगा, और जब वो एम्प्टी होगा तब क्या होगा, तो रियल का वैल्यू जीरो होगा। बट इनिशियली हम क्या करेंगे कि फ्रंट को भी और रियर को भी हम देंगे माइनस वन जस्ट स्टार्ट वैल्यू के लिए। तो यहाँ मैंने दे दिया माइनस वन और रियर को भी हम दे देंगे माइनस वन। सो हमने लिख दिया यहाँ पे रियर इक्वल टू माइनस वन। सो हमारे पास दो वेरिएबल आ चुके हैं। अब डिफाइन करना साइज क्या होगा। सो हम यहाँ पे जो साइज हमारा है वो फाइव होगा क्योंकि हमें फाइव वैल्यूज चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर आपको दिया गया है कि आप सिक्स पे जाए तो आप सिक्स वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप यूज़र से पूछ सकते हो कि आपको लेंथ कितना चाहिए। अब इतना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल रखते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक और एक वेरिएबल जिसको हम बोलेंगे साइज़। अब साइज़ जो है वो कांस्टेंट होगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो जहाँ पे भी हमें उसको वेरिएबल यूज़ करना है हम सीधा यूज़ कर सकते हैं। और एक वे तरीका उसको हम बोलते हैं डिफाइन लेंथ जो होगा फाइव। आप एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट देन ये ज़्यादा सेंस करता है, तो हम बोलेंगे डिफाइन लेंथ फाइव। अभी आपको जहाँ भी मेंशन करना होगा कि लेंथ कितना है तो आप लिख दोगे वहाँ पे LEN, तो आपको फाइव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कितने फंक्शंस हमें चाहिए यहाँ पे, तो इन टोटल हमें तीन फंक्शंस चाहिए। एक जो इंसर्ट करेगा, सेकंड जो डिलीट करेगा, और थर्ड जो डिस्प्ले करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंसर्ट। ये फंक्शन हमारा खुद का है तो हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम दे देंगे उसको void। दूसरा जो है वो डिलीट। नाउ डिलीट करने का एक्चुअली एक एम होता है कि हमें वैल्यू चाहिए, तो डिलीट हमेशा रिटर्न करेगा, सो हम इसको दे देंगे डिलीट फंक्शन। डिलीट फंक्शन इनबिल्ड है तो इसका हम नाम चेंज करते हैं और बोलते हैं डेल। और जो थर्ड फंक्शन हमें यूज करना है वो डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो हम बोलेंगे void डिस्प्ले। तो ये हो गया हमारे तीन फंक्शन डिक्लेयर, इनको डिफाइन भी करना होगा। तो यहाँ पे नीचे जाके इसको डिफाइन करते हैं। तो पहले जो फंक्शन है वो है इंसर्ट, हम लिखेंगे यहाँ पे void insert। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लिखना है, इसको रखते हैं blank। Second जो function define करना है वो है delete। अब क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है int, time bin let's return 0, आगे जाके इसको हम change कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है display, और इसमें भी हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो लेकिन define तो कर दिया हमने तीन function। तो पहले तो हमने यहाँ पे इनफैक्ट चार फंक्शन है, एक मेन तो है ही हमारे पास। सो पहले तो हमें तीन फंक्शन को डिक्लेयर करना है, और ये फिर उसके बाद तीन फंक्शन को डिफाइन भी करना है अपार्ट फ्रॉम मेन। अब एक्चुअल काम चालू करते हैं। अब तक हमने नहीं बताया कि इंसर्ट में डिलीट में डिस्प्ले में क्या होगा। हाँ, इतना कंफर्म है जब हम बोलेंगे इंसर्ट वो टाइम पे यूजर से हमें वैल्यू लेना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तो वो सब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बट टाइम बिन हमें यूजर को पूछना है कि आपको करना क्या है, तो यूजर बताएगा कि उसको क्या करना है, तो हम इसको रखेंगे लूप में। तो लूप लेने के लिए हम लिखेंगे डू व्हाइल लूप। आप यहाँ पे व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगा व्हाइल लूप में कि आपको खत्म कब करना है कोड को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डू व्हाइल। अब मुझे नहीं पता कंडीशन क्या होगा, देखते हैं कंडीशन क्या रखना है। अब डू व्हाइल में आपको पूछना है कि आपको करना क्या है, तो यूजर को बोलेंगे हम प्रिंट एफ। अगर आप ये कोड C++ में कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको सी आउट यूज करना होगा, या फिर आप अगर क्लास भी इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सब मेथड्स या जो भी फंक्शन हमने डिफाइन किया सब क्लास में शिफ्ट करने होंगे, और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो आपको यूज करना है। अब इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने सी में किया हुआ है, आप इसको C++ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ में मेन्यू। नाउ मेन्यू में क्या क्या होगा, तो पहली चीज मेन्यू में डिस्प्ले करना है, ऑप्शन देना है इनफैक्ट यूजर को। तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन हमने दिया उसको इंसर्ट, कि आपको इंसर्ट करना है वैल्यूज, हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड दो ऑप्शन हमें देना है वो है टू, सो एक हो गया इंसर्ट, एक हो गया डिलीट, और जो तीसरा ऑप्शन हमें देना है यहाँ पे वो हो गया डिस्प्ले। सो तीन ऑप्शन हमें दे दिया है वहाँ पे। अब इन तीन ऑप्शन के बाद हमें और एक चीज़ चेक करना है, क्या यूज़र को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। व्हाट इफ यूज़र को एग्जिट करना होगा, क्योंकि हमने लूप में लिखा हुआ है, तो आप जो भी ऑप्शन करोगे वापस यूज़र को पूछेगा आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो यूज़र बोल सकता है कि मुझे एग्जिट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ फोर एग्जिट। अगर यूज़र बोलता है फोर, तो हमें एक कोड को एंड करना है। मतलब डू व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमें यूज़र से फोर नहीं आता। अब यूज़र फोर को स्टोर भी करेगा, आई मीन कई वैल्यू लेना पड़ेगा उस चीज़ को। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो उसका हम बोलेंगे चॉइस, और यहाँ पे हम यूज़र के पास वैल्यू लेंगे विद द हेल्प ऑफ scanf। नाउ scanf में हम यूज़ करेंगे %d, address of choice। तो जो भी यूज़र ने एंटर किया वो जाएगा चॉइस में। अब जब हमने चॉइस दिया हुआ यहाँ पे, अगर चॉइस 4 है तो हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक चॉइस का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 4। जैसे ही चॉइस 4 हो जाएगा हमें कोड को एग्जिट कर देना है, सिंपल राइट। अब व्हाट इफ यूज़र ने बोला 1, तो हम क्या करें, तो हम कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड। यूजर ने बोला 2, तो हम कॉल करेंगे डेल मेथड। इंसर्ट ने बोला 3, तो हम कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन। सो 1 पे इंसर्ट फंक्शन, 2 पे डिलीट फंक्शन, एंड 3 पे डिस्प्ले फंक्शन।
तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम स्विच यूज़ कर सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे स्विच और वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। सो हम चेक करेंगे चॉइस से। सो अगर वहाँ पे केस वन है तो वो टाइम पे हमें कॉल करना है इंसर्ट को, तो हम बोल देंगे इंसर्ट कॉल करना है और फिर ब्रेक अपने जैसे काम हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे उसको। फिर जो सेकेंड केस है वो टाइम पे हमें करना है डिलीट। ना जब डिलीट होगा तो नोटिस करोगे तो आप कुछ रिटर्न कर रहा है वहाँ पे, तो रिटर्न करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सके, तो हम दे देंगे वहाँ पे नम। और यहाँ पे हम लिख दिया नम इज इक्वल टू डेल फंक्शन है, और फिर उस नम को हमें प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंट करना है तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंट नंबर, तो जो भी नंबर डिलीट हुआ है उसको हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो हमने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो भी नंबर डिलीट हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो हमने कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं किया है, सिर्फ हम देख रहे हैं केस कैसे मैच करना है। जो थर्ड केस हमारा है वो है डिस्प्ले का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे केस थ्री, और केस थ्री में हमें करना क्या है, वी नीड टू कॉल डिस्प्ले फंक्शन। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। हाँ, हम यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे ब्रेक भी देना था, और यहाँ पे भी हम ब्रेक दे सकते हैं। इनफैक्ट आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप डिफॉल्ट केस लिखिए, बट यहाँ पे नहीं लिखता मैं टाइम बिन, आप अपने यहाँ से कर सकते हो। तो हम चालू करते हैं फर्स्ट स्टेज से जो है इंसर्ट। अब इंसर्ट होगा कैसे, अब इंसर्ट में हमें करना क्या है, यूज़र के पास लेना है वैल्यू, तो हम उसको स्टोर करेंगे एक वैल्यू वेरिएबल में। सो वैल्यू में क्या आ जाएगा, यूज़र के पास से वैल्यू, हम उसको बोलेंगे एंटर द वैल्यू। अब यूजर ने बोला ठीक है हम एंटर करेंगे वैल्यू, हम उसको स्टोर कर देंगे स्कैनएफ में, यूजिंग स्कैनएफ हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो हमने दिया उसको परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ वैल्यू, सो वैल्यू में आके वैल्यू स्टोर हो चुका है वो, ठीक है। तो अभी इंसर्ट करें कैसे, इंसर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमें ये चेक करना है कि हमारा जो क्यू है वो फुल तो नहीं है। जैसे एग्जांपल मूवी थिएटर है, और थिएटर में हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट्स होंगे, जैसे हमारे पास 300 सीट्स है। अब आपको कोई टिकट बुक करना होगा तो फर्स्ट चीज जो चेक करेगा, जो ऑनलाइन बुकिंग साइट्स होते हैं वहां पे चेक होगा कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर सीट्स ही अवेलेबल नहीं है तो आपको टिकट बुक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है, तो इंसर्ट करने के पहले हमें यह चेक करना है कि जो तुम्हारा क्यू है वो फुल तो नहीं है ना। अब क्यू फुल है ये समझा कैसे हमें, तो हमें यह चेक करना है कि रियल का वैल्यू क्या है, या रियल का वैल्यू अगर 4 है इसका मतलब क्यू फुल है। तो हम चेक करेंगे इफ रियल का वैल्यू अगर वो 4 है तो हम उसको बोलेंगे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे प्रिंट एफ क्यू इज फुल। वॉट इफ फुल नहीं है तो हम वहां पे यूज करेंगे एल्स, तो इंटरनेशनल प्रॉपर कर देते हैं यहाँ पे। अब एल्स में हमें क्या करना है, तो जो भी हमें इंसर्ट करने का स्टेप था वो हमें एक्चुअली एल्स में करना है। बट यहाँ पे एक और एक प्रॉब्लम है, हमने तो ये देख लिया कि फुल तो नहीं है तो उसको हम प्रिंट कर देंगे फुल, और तो आगे कुछ कंटिन्यू नहीं होगा। बट वॉट इफ वो फुल भी नहीं है और पूरा खाली है, मतलब जहां पे हमारा फ्रंट का वैल्यू और रियर का वैल्यू 0 है। अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे तो हमारा फ्रंट और रियर -1 है, 0 भी नहीं है, -1 है। तो हमें करना ये है, अगर ये चीज पूरा एम्प्टी है और ये फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो टाइम पे हमें फ्रंट का और रियर का वैल्यू करना होगा 0। तो वो हम कैसे करें कि वो फ्रंट है या फिर -1 है या नहीं है, तो वो टाइम पे हम करेंगे अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है तो हम कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पे हम बोलेंगे कि फ्रंट और रियर का वैल्यू हम कर देंगे 0। तो हम बोलेंगे फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर दिया हमने। एक बार दोनों वैल्यू 0 हो चुके हैं तब हमें इंसर्ट करना है वैल्यू। अब कहां पे इंसर्ट करेंगे, तो हमें पता है जब क्यू पूरा एम्प्टी है वो टाइम पे इंसर्शन जो होगा वो फर्स्ट पे होगा, मतलब जहां पे वैल्यू फ्रंट का है या फिर रियर का भी कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही है ये पॉइंट पे। तो हमें क्यू में इंसर्ट करना है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने अभी क्यू बनाया ही नहीं है। अब क्यू कैसे बनाएं, तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो क्यू है वो जो है इंट का है, तो हमने लिख दिया इसको क्यू नाम, और फिर उसका साइज मेंशन करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5, बट 5 क्यों लिखे जब हम इसको यूज कर सकते हैं लेंथ। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने लेंथ डिफाइन किया हुआ है, तो आप सीधा यहाँ पे लेंथ ले सकते हैं या फिर 5 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जब हम चेक करें कि वो रियर का वैल्यू 4 तो नहीं है ना, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ 4 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है 4, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ -1, बिकॉज लेंथ का जो वैल्यू होगा वो होगा 5 -1, ताकि आगे जाके अगर आपको वैल्यू 5 नहीं चाहिए 10 चाहिए तो आप हर जगह पे चेंज नहीं करोगे, सिर्फ एक जगह पे लिखोगे लेंथ का जो वैल्यू है वो 10, बाकी सब जगह अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा वो ना। एक बार हमें ये मिल चुका है जहाँ पे फ्रंट एंड रियर आ चुके हैं, अब वैल्यू इंसर्ट करेंगे क्यू में। सो क्यू का जो रियर पोजीशन है उसका वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 0 होगा इनिशियली, तो लेट्स हम यहाँ पे कर भी लेते हैं इस चीज़ को। तो जो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, एक नया बॉक्स इमेजिन कर लेते हैं टाइम बिन। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे, इसमें सब वैल्यूज होंगे यहाँ पे, और जो फ्रंट होगा, सो फ्रंट और रियर दोनों भी पॉइंट करेंगे 0 पे, है ना। तो ये हमने जो डिफाइन किया यहाँ पे, तो फ्रंट और रियर दोनों भी पॉइंट कर रहे हैं 0 पे। अब ये रियर पे हमें वैल्यू देना है जो वैल्यू यूजर से आया हुआ है, जो है वैल्यू। दैट्स इट, एक बार हमें वैल्यू मिल चुका है, हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि वैल्यू इंसर्ट हो चुका है, हम बोलेंगे इंसर्टेड। दैट्स इट, एक बार ये हमारा काम हो गया। बट व्हाट इफ वैल्यू पहला नहीं है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अभी जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया है वो है 5, अब हमें नया वैल्यू इंसर्ट करना है, वो टाइम पे भी इंसर्ट ही कॉल होगा।
तो आप क्या होगा, क्योंकि रियर तो यहाँ पे है जो, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू होगा वो यहाँ पे शुरू होना चाहिए। और हमने अगर यही कोड को यूज किया तो बार बार वैल्यू इंसर्ट सेम पोजिशन पे होगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम बोलते हैं 7 तो 7 भी शुरू हो जाएगा 5 की जगह पे ही, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये पॉइंट पे हम लिखेंगे एल्स। अगर वो खाली नहीं है, अगर वो फुल नहीं है, तो वो टाइम पे हम क्या करें, तो ये टाइम पे हम करेंगे क्यू का जो रियर पोजिशन है उसको हम कर देंगे प्लस प्लस। लेकिन प्लस प्लस हमें कब करना है, इंसर्ट होने के पहले, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस प्लस रियर, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम कर सकते हैं रियर प्लस प्लस। तो पहले ही हम रियर को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, उसके बाद हम उसको असाइन करेंगे वैल्यू जो हम यहाँ पे असाइन करते हैं जो है वैल्यू। एक बार वैल्यू इंसर्ट हो गया, हम सेम चीज वापस प्रिंट कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया था इंसर्टेड। अगर तुम्हें प्रिंट करना है, हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि कौन से रियल वैल्यू पे वो प्रिंट हुआ है, लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हैं वो चीज। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट। इसको ट्राई कर लेते हैं कि इंसर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम ये कोड को रन करेंगे। रन करने के लिए हम जाएंगे बिल्ड में और हम बोलेंगे बिल्ड एंड रन। ओ, एरर आ चुका है यहाँ पे, और एरर है हमने कहीं तो सेमीकोलन मिस कर दिया जो है यहाँ पे। लेट्स रन दिस वंस अगेन। और एक एरर है, अभी हमने कहाँ मिस कर दिया, यहाँ पे। अब कुछ दिनों से मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ, पाइथन में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बहुत जगह पे सेमीकोलन मिस किया है। यही प्रॉब्लम होता है जब आप दो तीन लैंग्वेज साथ में काम करते हो। तो हम करेंगे बिल्ड एंड रन। यहाँ पे एरर तो कुछ नहीं आया, वो पूछ रहा है हमें कि करना क्या है, तो मेन्यू दिया है उसने। एक्चुअली ये नेक्स्ट लाइन बनाना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, मिस्टेक कर दिया मैंने वहाँ पे। तो हर एक साइड के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश एन ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। इनफैक्ट आप स्टार में लिख सकते हो उस चीज को, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। अब यहाँ पे जाएंगे हम बिल्ड रन, और यहाँ पे उसने हमें मेन्यू दे दिया है, हमें करना है इंसर्ट। तो हम बोलेंगे 1, इंसर्ट वैल्यू 5, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू पूछ रहा है वो, वापस पूछ रहा है हमें क्या करना है, मैं बोलूंगा 1, वापस पूछ रहा है वैल्यू क्या है 7। अब समझे कैसे कि वैल्यू इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो किया नहीं अभी तक डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर मैं डिस्प्ले करता भी हूं तो बता नहीं रहा डिस्प्ले हो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि डिस्प्ले एक फंक्शन एम्प्टी है, तो उस पे काम करते हैं अभी कि वैल्यू हमें डिस्प्ले भी करता है। इंसर्ट तो हो रहा है शायद, वो भी कंफर्म नहीं है, डिस्प्ले कर देते हैं वैल्यूज को। और डिस्प्ले एक्चुअली बहुत इजी है, हमें करना क्या है, हमें यूज करना है एक लूप। तो हम एक लूप यहाँ पे यूज करेंगे, और जहाँ हम बोलेंगे कि आई, एक वेरिएबल ले देते हैं i, सो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कहीं पे यहाँ पे। सो हम बोलेंगे int i, इनिशियल वैल्यू ऑफ i 0 रखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 0, या फिर i इक्वल टू फ्रंट, क्योंकि चालू फ्रंट से होना चाहिए और खत्म होना चाहिए रियर पे। सो i लेस देन इक्वल टू रियर एंड देन आई प्लस प्लस। हमें स्टार्ट करना है फ्रंट से, खत्म करना रियर पे, और हर बार जब ये लूप घूमेगा वो टाइम पे हमें से प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ दैट क्यू। तो न्यू लाइन पे प्रिंट कर देते हैं, या फिर स्पेस दे देते हैं, स्पेस के लिए हम शायद स्लैश टी यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू विच इज क्यू ऑफ आई। तो ये वैल्यू एक ही करके प्रिंट कर देगा उसको। दैट्स इट, सिंपल सा कोड है। लेट्स गो एंड से बिल्ड एंड रन। ओके, एरर तो कुछ नहीं है। हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट वैल्यू 5 करना है, वापस इंसर्ट करना है वैल्यू 7, वापस इंसर्ट करना है वैल्यू 2, अब डिस्प्ले करना है इन चीज़ को 3। ओ, कुछ तो प्रॉब्लम आया, डिस्प्ले नहीं हुआ है वैल्यूज। ओ, हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दिया, पर्सन डी लिखना। सिंपल सा कोड, इतना बड़ा मिस्टेक। ठीक है, वापस कर देते हैं इस चीज़ को। सो बिल्ड, जितनी गलतियाँ करोगे उतना ही सीखोगे प्रोग्रामिंग में, राइट? ठीक है, सो इंसर्ट करना है, वैल्यू इंसर्ट कर दिया 5, इंसर्ट करना है वैल्यू इंसर्ट कर दिया 7, इंसर्ट करना है वैल्यू इंसर्ट कर दिया 2। हमारे पास अभी 3 वैल्यूज है, डिस्प्ले करना है। यस, यू कैन सी दैट वी गॉट 5, 7 एंड 2। सो इंसर्ट भी हो रहा है ठीक से, डिस्प्ले भी हो रहा है ठीक से। अब हमने डिस्प्ले में एक चीज़ मिस कर दिया कि व्हाट इफ क्यू एम्प्टी है, जैसे हमने इसको वापस रन कर दिया अभी। सो बिल्ड एंड रन, हमें डिस्प्ले करना जो 3 पे है, एंटर करने के बाद यू कैन सी 0 प्रिंट हुआ। तो ये टाइम पे एक्चुअली हमें 0 प्रिंट नहीं करना था, हमें प्रिंट करना था कि क्यू एम्प्टी है, राइट? वो तो हमने प्रिंट किया ही नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल इक्वल टू -1, अगर वो एम्प्टी है, हमें एक्चुअली यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि क्यू एम्प्टी है, क्योंकि 0 नहीं प्रिंट कर सकते हम। और फिर फॉर लूप हमें तब रन करना है जब वो एम्प्टी नहीं होगा, तो ही तो हम इसको लिख देंगे एल्स पार्ट में। अब इसको हम जब रन करेंगे, सो बिल्ड एंड रन, अब तुमसे पूछेगा कि कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है। लेट्स से 3, अब देखो बोल रहा है कि Q is empty. Now it makes much more sense, right? क्योंकि Q empty है तो empty ही print होगा। तो हमने इस वीडियो में देखा है कि Q में value insert कैसे करना है और display कैसे करना है। अब जो बचा हुआ चीज़ है वो है delete, जो हम करेंगे next वीडियो में। तो मुझे बताइए comment section में आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और share कीजिए videos आपके friends के साथ, और subscribe कीजिए। Thank you so much.